से अब डेनमार्क पहुंचे हैं और अपने विशेष विमान के माध्यम से और प्रधानमंत्री वहां की राजधानी कोपेनहेगन में अपने विशेष विमान से इस वक्त उतरते हुए। निश्चित तौर से बेहद महत्वपूर्ण दौरा और ये दौरा अपने आप में इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई प्रकार की चुनौतियों से इस वक्त यूरोप गुजर रहा है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं और खुद तमाम वरिष्ठ लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करने के लिए। और ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो डेनमार्क की हैं वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंची हैं और ये अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति डेनमार्क और वहां की प्रधानमंत्री कितनी उत्सुक है उनके इस दौरे को लेकर। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं और प्रधानमंत्री के इस्तकबाल के लिए खुद डेनमार्क की प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद है। ये अपने आप में दिखाता है कि डेनमार्क किस तरीके से भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। रेड कार्पेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, ये अपने आप में 130 करोड़ भारतीयों के स्वागत के लिए एक तस्वीरों को बयां करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे एरिक्सन भी वहां पर इस वक्त फेडरिक्सन भी मौजूद हैं और तमाम महत्वपूर्ण लोग खुद प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आए हैं। ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से डेनमार्क कितना ज़्यादा उत्साहित है और प्रधानमंत्री के लिए तमाम औपचारिकताओं से अलग हट के खुद वहां के प्रधानमंत्री का आना ये अपने आप में भारत और भारतीयों के प्रति डेनमार्क के लोगों का उत्साह उनका सम्मान को प्रदर्शित करता साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये सहजतापूर्ण तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी की और डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ और ये तस्वीरें एक और कहानी बयां करती है क्योंकि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भारत और भारतीयता की जो सांस्कृतिक झलक है वो इस कोपेनहेगन के यहाँ के एयरपोर्ट पर भी साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। परंपरागत तरीके से मराठी परिधान में भारतीय समुदाय से जुड़े हुए लोग ढोल ताशे के साथ पहुंचे हुए हैं और ये मराठी परिधान में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण और भारत माता की जय का जयकारा और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का उत्साह। डेनमार्क के एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भारतीय सांस्कृतिक ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का खुद प्रधानमंत्री को रिसीव करने आना ये दिखाता है बताता है किस प्रकार से डेनमार्क उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर। और ये सांस्कृतिक झलक भारत भारतीयता की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है इसकी झलक कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के इस दौरे के दूसरे पड़ाव में इस वक्त डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंच गए हैं और खुद डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं और भारतीय समुदाय से जुड़े हुए सांस्कृतिक मंडल ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। परंपरागत वेशभूषा में मौजूद मराठी एक सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली। ढोल नगाड़ों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और खुद डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है उनको एक तरीके से रिसीव किया है। ये रेड कार्पेट दिखाता है ये उत्साह दिखाता है डेनमार्क किस प्रकार से उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। निश्चित तौर से आज और कल 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण तरीके से रहेंगे तब जबकि भारत और डेनमार्क के आपसी सहयोग के लिहाज से और भारत और डेनमार्क के साथ साथ जो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है यानी 5 देशों के 5 इन यूरोपीय देशों के साथ में भारत के जो सहयोग की इबारत लिखी गई है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी